Hello friends, today we are going to study a very important topic of competitive exams, aptitude portion, time and work. This is very important. So let's start. First of all, to do these kind of questions, we need to learn one formula, a new method. I'm going to write on the board. Have a look. I'm writing few words. M, D, H, E, over W R. सबसे पहले तो ये words याद रखने हैं, M D H E upon W R. चलिए पहले इनका meaning भी समझते हैं. M का मतलब man, यानी किसी question में अगर किसी person की involvement हो, man, women भी हो सकता है, कोई person भी हो सकता है, या समटाइम्स कोई एक क्वेश्चन करेंगे आगे हम जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो, ये एम हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं. डी इज़ यूज्ड फॉर डेज, कितने दिनों का कुछ हिस्सा, ऐसा क्वेश्चन में आए कि इतने दिन लग गए, तो डी वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर डेज. एच विल बी यूज्ड फॉर आवर्स, कहीं क्वेश्चन में अगर आवर्स यूज होंगे तो एच का इस्तेमाल करेंगे. ई किसी तरह की अगर एफिशिएंसी अगर हमें काम की दे रखी हो तो वी आर गोइंग टू यूज़ ई. डब्ल्यू विल बी यूज, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, डब्ल्यू विल बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क विच इज़ गिवन. और आर विल बी यूज्ड फॉर रेंट, यानी किसी काम का कोई इतना पैसा मिलता है या इतना रेंट है, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है. और इसमें खास चीज़ क्या है, एम डी एच ई, इन चारों में से कोई भी चीज़ गिवन होगी उसे हम हमेशा क्वेश्चन में न्यूमरेटर में रखेंगे. डब्ल्यू और आर अगर कहीं भी गिवन होगा उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. कैसे यूज़ करेंगे आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं. तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. यस, रीड द स्टेटमेंट. 25 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, इन हाउ मैनी डेज सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई 10 मैन. 25 आदमी मिलकर एक काम को 50 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो अब देखिए हमें क्या करना है. हमने ये मेथड याद किया था, एम डी एच ई अपॉन डब्ल्यू आर. इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, इनमें से क्या क्या हमें गिवन है पहले ये देखना है. 25 मैन, यानी कि मुझे ये M गिवन है, तो मैं पहले एक M लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. फिर मुझे वर्क गिवन है, कितना एक काम है जो भी काम था, और 50 डेज. इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि मुझे M गिवन है, D गिवन है और W गिवन है. M, D और W. अब सोचना ये है हमें यहाँ पे, पहली बात तो याद क्या रखनी है कि एच ई ओ आर गिवन नहीं है तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हमने सिर्फ ये मेथड याद किया है, एम डी एच ई न्यूमरेटर में रखना है. अगर क्वेश्चन में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है तो उसे यूज़ नहीं करना. हमें यहाँ पे अब क्या यूज़ कर रहे हैं, एम डी और डब्ल्यू, क्योंकि यही गिवन है. बस ध्यान ये रखा कि डब्ल्यू को नीचे रखना है, एम और डी को ऊपर रखना है. तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एम वन डी वन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू M2 D2 W2. ध्यान से देखिए ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ. वन और टू यूज़ ही क्यों किया, देखिए एक तरफ है हमें वैल्यूज़ गिवन है, दूसरी तरफ है हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं. मैं यहाँ पर जो गिवन है उसे लेफ्ट साइड में एक बार लिख रहा हूँ. जैसे कि M1, मुझे पर्सन कितने गिवन है, 25. डेज कितने गिवन है, 50. काम तो एक ही है तो वन. अब सेकंड में मुझे कितने मैन दिए, 10. डेज हमें निकालने हैं कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा. और डब्ल्यू टू, काम तो वही करना है जो था, एक ही काम है, तो मैं वन यूज़ कर रहा हूँ. तो देखिए कितना इजी है कैलकुलेशन, यहाँ पर क्या बनेगा, 25 × 50, ये 10 नीचे आ जाएगा, 0 एंड 0 कैंसिल.
तो डी टू की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 125। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 10 आदमी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 125 डेज करेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और क्लैरिटी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में 10 वीमेन कंप्लीट 10 कारपेट्स वर्क इन 10 डेज, हाउ मैनी कारपेट्स वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई 20 वीमेन इन 20 डेज। 10 वीमेन 10 कारपेट्स का काम 10 दिनों में कंप्लीट करती हैं, 10 दिनों में। तो बताइए 20 डेज में 20 वीमेन कितने कारपेट्स का काम कंप्लीट करेंगी, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसमें मेरे पास यूज क्या क्या हो रहा है। 10 वीमेन, अब ये जो वैल्यूज लिखी हैं इनमें से वीमेन के लिए कौन सा यूज होगा, ये ऊपर वाला एम यूज होगा। हमने पहले अपने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के पढ़ा था, ये एम मैन के लिए भी यूज होगा, वीमेन के लिए भी, किसी पर्सन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। नीचे वाला डब्ल्यू ना सोचने की वीमेन है, नीचे वाला डब्ल्यू वर्क के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एम की वैल्यू गिवन है, 10 कारपेट्स और 10 डेज, एक तो डेज गिवन है और 10 कारपेट्स वर्क मतलब ये नीचे वाला वर्क भी गिवन है, राइट। तो मेरे पास एम डी और डब्ल्यू यूज हो रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, एम डी और डब्ल्यू ही यूज करूँगा। एम वन डी वन डब्ल्यू वन इक्वल्स एम टू डी टू डब्ल्यू टू, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, एम वन की वैल्यू 10 वीमेन हमें गिवन है, कितने दिन में काम, 10 डेज में। डब्ल्यू वन कितने कारपेट्स वर्क था, 10। अब हमारे पास करना क्या है, एम टू 20 वीमेन गिवन है जहां हमें निकालना है, डेज कितने गिवन है, 20। डब्ल्यू टू हमें निकालना है कि कितने कारपेट्स कंप्लीट होंगे, तो बस इसी की कैलकुलेशन करनी है। ये जीरो से ज़ीरो कट जाएगा, डब्ल्यू टू इधर ऊपर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 20 × 20 और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, यानी कि आंसर इज़ 40। तो 20 वीमेन 20 डेज में कितने कारपेट्स का वर्क कंप्लीट करेंगे, 40 कारपेट्स का। तो बहुत आसान है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें और क्लैरिटी होगी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, लुक एट दिस क्वेश्चन, सोहन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल ही डू इन 3 डेज। सोहन एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, बताइए 3 दिनों में वो कितना काम करेगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए ये देखिए फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है MDHE/WR, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये काम सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, सोहन का ही दोबारा आंसर निकालना है, तो अब ये एम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इसको भी यूज़ नहीं करना हमने, डेज हमें गिवन है और वर्क हमें गिवन है, क्या गिवन है, डी और डब्ल्यू, तो दो ही वैल्यूज इसमें गिवन है, तो इसमें सिर्फ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर डी वन कितने डेज दिए, 20 डेज दिए, वर्क ए पीस ऑफ वर्क एक ही काम है, तो आई एम राइटिंग वन। डी टू डेज कितने दिए, 3, तो बताइए कितना वर्क करेगा, ये हमें निकालना है। तो मेरा इसमें आंसर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 3/20 विल बी आंसर। तो कितना काम करेगा 3 दिनों में, 3/20 काम करेगा। आई होप ये समझ आया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, राम इज ट्वाइस एज गुड एज श्याम इन वर्क, राम श्याम से डबल अच्छा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी डबल है। इफ श्याम कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज राम विल डू द सेम वर्क। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसका ओरली आंसर दिया जा सकता है। बस कंसेप्ट ध्यान से सुनिए कि राम की एफिशिएंसी डबल दे रखी है, यानी कि राम श्याम से डबल काम करता है, यानी कि अगर श्याम कोई काम, ध्यान से सुनिएगा, अगर श्याम कोई काम 10 दिनों में करेगा
तो राम कितने दिनों में करेगा? राम की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना उससे, तो राम करेगा 5 दिनों में, उससे हाफ डेज में। तो इसी देखिए इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि शाम कंप्लीट से पीस ओवर इन 30 डेज। शाम अगर 30 दिनों में काम कर रहा है तो राम की एफिशिएंसी डबल है, राम उससे आधे टाइम में कर देगा, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 15 डेज आना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर हम बिल्कुल लिटरली ऑरली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं 15 डेज, कि राम जो है बस हाफ आधा टाइम लगाएगा, ये 30 डेज में करता है तो राम आधे दिनों में करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूला से भी एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है इसके ऊपर। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एम गिवन है, बिल्कुल पर्सन गिवन है हमें। क्या डी की बात हुई है? बिल्कुल हुई है, डेज की बात हो रही है यहाँ पर। एच की बात हुई है? नहीं, लेकिन ई एफिशिएंसी की बात जरूर हो रही है, तो हम ई जरूर यूज़ करेंगे। और नीचे डब्ल्यू की बात हो रही है, बिल्कुल काम ही तो कर रहे हैं, वर्क की बात हो रही है, आर रेंट की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? M1 D1 E1 अपॉन W1, M2 D2 E2 ओवर W2। तो अब देखिए, M1 एक तरफ राम एक तरफ शाम, पर्सन तो एक ही है तो इसकी वैल्यू 1, और इधर मैं इसकी वैल्यू भी क्या फिल कर रहा हूँ? 1। इधर डेज कितने हैं? 30, 30 डेज। इधर हमें D2 निकालना है। एफिशिएंसी देखिए, राम इज ट्वाइस एज गुड एज शाम। राम की एफिशिएंसी जो है शाम से डबल है। मेरे लेफ्ट साइड में मैं शाम की बात कर रहा हूँ, राइट साइड में राम की, क्योंकि राम के ही डेज निकालने हैं ना, ये नहीं बोलना हमने। तो शाम की एफिशिएंसी अगर 1 है तो राम की कितनी है? उससे डबल, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। अब काम दोनों का सेम ही है तो वर्क की वैल्यू 1, एक ही काम है, इसका भी वही काम है। तो यहाँ को सॉल्व करके देखिए, 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू D2, ये काट के 15 ही आएगा। दैट मीन्स D2 की वैल्यू कितनी है? 15 डेज। तो राम कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? 15 डेज में कंप्लीट करेगा। तो इस फॉर्मूला इस मेथड से भी एप्लीकेबल है, लेकिन क्योंकि कंडीशन इतनी आसान थी, क्योंकि ट्वाइस ही सीधा दिया हुआ था, इसमें सीधा 15 डेज आंसर भी निकाला जा सकता था। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। 5 मैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे। 5 आदमी 10 खिलौने 6 दिनों में बनाते हैं, रोज 6 घंटे काम करके। देन इन हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो बताइए कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे रोज काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं? तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, MDHE अपॉन WR। इसमें क्या मैन यूज़ हो रहे हैं? बिल्कुल यूज़ हो रहे हैं, तो एम यूज़ हो रहा है। डेज़ यूज़ हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में आवर्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो एच भी लेंगे, और वर्क बिल्कुल। तो ये 4 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला बन गया M1 D1 H1 अपॉन W1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर ये मेथड फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आज पार्ट 1 कर रहे हैं, आगे करेंगे पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस अलग फॉर्मूला के साथ भी। तो चलिए, M1 की वैल्यू कितने मैंने? 5। कितने डेज दे रखे हैं? 6 डेज। आवर्स कितने? 6 आवर्स। और वर्क 1 टॉयज कितने बना रहे हैं? 10 टॉयज बना रहे हैं। इधर देखिए, M2 12 मैन आर गिवन, तो चलिए 12। डेज कितने दे रखे हैं? निकालने हैं हमें, तो D2 एज इट इज़। आवर्स 8 आवर्स अ डे, और खिलौने कितने बनाने? 16। देखिए बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके D2 निकालना है हमें। 8 वन ज़र 8 टू ज़र, राइट। 2 वन ज़र 2 6 ज़र, 5 वन ज़र 5 टू ज़र, 2 वन ज़र 2 3 ज़र। कैलकुलेशन बहुत ही आसान बन गई है यहाँ पर, 6 इंटू 3, और ये 6 नीचे चला जाएगा, 6 से 6 कट गए। तो D2 यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे पास? 3 डेज। तो यही आंसर होगा, यानी कि 12 आदमी 16 खिलौनों को रोज 8 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं? 3 दिनों में बनाएंगे। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।